जोर जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा सभी हाथ खड़े करके ऐसे नहीं, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा मनेज मेज मनेज बेज एसबीआई के दलालों को एसबीआई के दलालों को राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में आज हड़ताल का यह तीसरा दिन है। इसका मुख्य कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दो आम आदमी के हित में बनाई गई दो योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो मात्र 330 रुपये में होता है और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा जो मात्र 12 रुपये में होता है, उनकी अवहेलना करके हमारे बैंक का प्रबंधन जानबूझकर हमसे निजी कंपनियों का लाभ के लिए हमसे महंगे उत्पाद गरीब किसानों को और उनको बेचने को स्टाफ को मजबूर कर रहे हैं, उनके ऊपर अनधिकृत दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। फ़ोन और ईमेल व्हाट्सएप के ऊपर तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। इन सब से परेशान होकर राजस्थान मरुदरा ग्रामीण बैंक के कर्मठ कार्मिक जो इस क्षेत्र के कमज़ोर और गरीब किसान के साथी हैं, आज उनको विवश होकर सड़क पर बैठना पड़ा है और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तीसरे दिन भी अपनी शक्ति में अंधा हुआ प्रबंधन बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अरे ये आरएमजीबी की छोटी सी संस्था थी, हमने इसको बड़े ही प्रयासों से पालपोष के पौधे को पेड़ बनाया था, लेकिन ये एसबीआई के दलाल जो यहाँ आके बैठ गए हमें ये मजबूर करें इसलिए कि गरीब किसानों का एसबीआई लाइफ करो। जो मजदूर किसान है 100 रुपये की जो पाई का काम चल सकता है उनको कहे 1000 रुपये से कम की पाई नहीं की जाएगी। जिस किसान को 3 लाख रुपए का हम केसीसी का ऋण देते हैं उनको हमें ये कह के मजबूर किया जाता है कि भी इनका 50,000 रुपए का एसबीआई लाइफ करोगे। ये हमारा मैनेजमेंट जो है एसबीआई के हैं, ये एसबीआई के दलाल हैं और हमारी संस्था को बेचना चाहते हैं।